अगर हम कक्षा 9 और 10 की बात करें तो इसमें विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। आपका जो साइंस होता है, साइंस को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, लाइक एज, जैसा कि पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब सबसे पहले आपको दिया गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद में नंबर आता है बायोलॉजी, और उसके बाद में नंबर आता है आपका फिजिक्स। केमिस्ट्री में आपके पास 5 चैप्टर्स होते हैं, सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। इसी प्रकार बायोलॉजी में हमारे पास 6 चैप्टर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर फिजिक्स में, और लास्ट में हमारे पास कुछ एनवायरनमेंट के चैप्टर होते हैं। नाउ हम सबसे पहले जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में, फिर उसके बाद में बायोलॉजी के बारे में, फिर फिजिक्स के बारे में, और सबसे लास्ट में जाएंगे एनवायरनमेंट के पास में। केमिस्ट्री का जो सबसे पहला अध्याय है वो है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक जो नाभिक स्नेही होते हैं, एनोदर नाभिक विरोधी होती हैं। सबसे पहले देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आपके पास दो अभिकारक हो और वो दोनों मिलकर के एक उत्पाद बनाए, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया। जैसे जैसे CaO प्लस CO2 गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस। आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल करके जब इसे गर्म किया जाता है तो CaOH होल ट्वाइस प्लस इसके साथ में आपकी ऊर्जा बाहर निकलती है।